जय जिनेन्द्र, नमस्कार। परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज को समर्पित हमारा यह वैचारिक अभियान आओ शांति मार्ग पर चले, एक अभियान, एक चर्चा आचार्य शांति सागर जी महाराज के बताए मार्ग पर, उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं पर, उनकी उन सूक्ष्म गतिविधियों पर, उनकी उन सूक्ष्म क्रियाओं पर जिनके माध्यम से उन्होंने हमें संदेश दिए, उन्होंने हमें एक मार्ग बताया। बंधुओं, ये वर्ष आचार्य शांति सागर जी का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष है। यह वर्ष समूचे दिगंबर जैन समाज के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक ऐतिहासिक अवसर है, एक अवसर है उस शक्ति को स्मरण करने का, एक अवसर है उस परंपरा के गुणगान करने का जिस परंपरा ने हमें एक परिचय दिया, हमें मान दिया, हमें सम्मान दिया। आइए आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाल्यकाल की एक घटना, एक गतिविधि पर चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस घटना के माध्यम से आचार्य प्रवर ने 100 वर्ष पूर्व क्या संदेश दिया था। उन्होंने एक युक्ति, एक मार्ग 100 वर्ष पूर्व भी अपनी उस गतिविधि से, अपनी उस सूक्ष्म घटना से हमें बताया था। आचार्य शांति सागर जी के बचपन का नाम सातगोड़ा पाटिल था। दरअसल सातगोड़ा को जाने बिना आचार्य शांति सागर जी को समझना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। उनके बाल्यकाल की घटनाओं को यदि सूक्ष्मता से देखें, उनको यदि जानने का प्रयास करें, तो एक बात समझ में आती है कि वे कहते नहीं थे, वे करते थे। उन्होंने अपनी घटनाओं के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से संकेत दिया कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कहाँ जाना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज बाल्यकाल से ही मुनियों के प्रति अपार श्रद्धालु थे। उनके मन में त्यागी, तपस्वी, संत, मुनि, विद्वान, धार्मिक लोगों के प्रति अपार श्रद्धा थी। उनके जीवन की एक घटना जो बताती है कि उनमें संतों के लिए, मुनियों के लिए, तपस्वियों के लिए श्रद्धा, भक्ति और शक्ति तीनों का अतुलनीय समावेश था। श्रद्धा, भक्ति और शक्ति, ये तीन गुण विरले लोगों में होते हैं। सातगोड़ा पाटिल बचपन से ही इन गुणों को अपने अंदर समावेशित करके आगे बढ़ रहे थे। बाल्यकाल के उस दौर में, उस अवस्था में सातगोड़ा पाटिल विद्वान लोगों के साथ तत्व चर्चा करते थे। उनके आसपास ऐसे विद्वत्त लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता था। उनका संगठन ऐसे गुणी लोगों के साथ था जो अत्यंत प्रगाढ़ थे, विद्वान थे। जैन अजैन सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग उनके पास आते और धर्म आधारित विशेष चर्चा करते थे। यह बताता है कि सातगोड़ा पाटिल का धार्मिक अध्ययन चहुमुखी था और वे चारों दिशाओं में हर तरह से अपने धार्मिक अध्ययन को, अपनी धार्मिक श्रद्धा को, धार्मिक प्रगाढ़ता को विस्तारित कर रहे थे। पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर द्वारा लिखित चारित चक्रवर्ती ग्रंथ के अष्टम संस्करण के पृष्ठ संख्या 103 पर उल्लेखित है कि स्वयं आचार्य शांति सागर जी महाराज ने माना कि उनके जीवन पर, उनके बाल्यकाल में आदि सागर जी मुनिराज का गहरा प्रभाव पड़ा। दरअसल आदि सागर जी मुनिराज
सात दिन में एक बार आहार ग्रहण करते थे। वे महातपस्वी थे और एक बार आहार में एक ही वस्तु को ग्रहण करते थे, अर्थात यदि वे गन्ने का रस लेते तो पूरे आहार में गन्ने का रस ही लेते थे। यदि आम की ऋतु होती तो वो आहार में आम ही लेते थे। ऐसे महान संत, ऐसे तपस्वी संत आदि सागर जी मुनिराज के संपर्क और प्रभाव में जाकर सातगोड़ा के बाल्यकाल में ही वैराग प्रवृत्ति और धार्मिक प्रवृत्ति और तप के प्रति जो उनका एक अध्ययन था वो शायद प्रगाढ़ हुआ। वो तप की महत्ता को बचपन में, बाल्यकाल में आदि सागर जी मुनिराज के संपर्क में आने के बाद अत्यंत गूढ़ता से समझ पाए। आदि सागर मुनिराज जब भोज गांव में आते तो सातगोड़ा पाटिल अपनी पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के साथ मुनिराज की सेवा करते। वे उन्हें आहार दान देते, उनके साथ धर्म चर्चा करते, रात्रि में उनकी वैयाव्रति करते और वैयाव्रति करते हुए रात्रि में उनके चरणों में ही सो जाया करते थे। शायद वे जान गए थे कि मेरा स्थान कहाँ है। आचार्य शांति सागर जी ने बाल्यकाल में ये संकेत दे दिया था कि मुझे किसकी शरण में जाना है, मेरा स्थान कहाँ है। वे मुनि के शरण में गए और उनके चरण में अपनी रात्रि को बिताने लगे। उन्होंने संकेत रूप में बता दिया था कि उनका स्थान कहाँ है। वो मन से मुनि बन चुके थे। फिर प्रातःकाल होती और वो प्रातःकाल भोज गांव के लिए एक ऐतिहासिक प्रातःकाल होती थी। ना सिर्फ भोज गांव के लिए अपितु पूरे दिगंबर जैन समाज, दिगंबर मुनि परंपरा के लिए वो सुबह एक स्वर्णिम सुबह होती थी। वो एक ऐतिहासिक सुबह होती थी जब वे अपने मुनिराज को लेकर गांव से बाहर की ओर जाते। जब वे मुनिराज के साथ जाते, गांव से बाहर की ओर जाते, तो गांव के बाहर की ओर भोज गांव में बाहर दो नदियां बहती हैं, दूध गंगा एवं वेद गंगा। कहते हैं जहां नदियों का संगम होता है वो संकल्प भूमि होती है। जब सातगोड़ा पाटिल आदि सागर मुनिराज के साथ दूध गंगा और वेद गंगा नदी के संगम पर जाते तब वे क्या करते? वे अपने मुनिराज को अपने सशक्त कंधों पर बैठाकर उस संगम को पार किया करते थे। और ये घटना ना सिर्फ उनकी भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का परिचायक थी, बल्कि ये घटना आचार्य शांति सागर जी ने अपने बाल्यकाल में एक संकेत के रूप में समूचे दिगंबर जैन समाज और दिगंबर मुनि परंपरा को शायद दे दिया था। दरअसल इस घटना में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दो नदियों के संगम को पार किया और अपने कंधे पर आदि सागर मुनिराज को बैठाया। मुनिराज को कंधे पर बैठाकर इस संगम को पार किया। ये महज एक घटना नहीं थी, ये उनका एक संकेत था। दरअसल वो दौर था जब पूरा भारत एक परिवर्तन के युग से गुजर रहा था। देश के अंदर आधुनिकता और पौराणिकता रूपी दो नदियाँ, एक दूध गंगा एक वेद गंगा, एक आधुनिकता एक पौराणिकता, ये दो नदियाँ बहुत तेजी से बह रही थी। उस समय देश चिकित्सा, औद्योगिक क्रांति, रसायन क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, हर क्षेत्र में परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था और आधुनिकता को स्वीकार चुका था। इसके साथ ही पौराणिकता भी अपने पांव उसी तरीके से बहुत तेजी से, प्राचीन परंपराएं और पूजा पाठ पद्धति वो सब भी देश के अंदर उतनी ही स्थान रखती थी। ये दो नदियां बह रही थी, एक आधुनिकता की नदी थी और एक पौराणिकता की नदी थी। लेकिन वो सरलीकरण का दौर था और ये दो नदियां बहुत तेजी से मिल रही थी।
वो समय का ऐसा बहाव था जब आधुनिकता और पौराणिकता दोनों मिल रही थी और दोनों मिलके ये देश में बहुत तेजी से बह रही थी और उस बहाव में पूरा देश बह रहा था क्योंकि वो सरलीकरण था, वो सरलीकरण का दौर था और उस सरलीकरण के दौर में पूरा देश बह रहा था, साथ ही वो क्रांति का भी दौर था। जब देश आज़ादी के लिए छटपटा रहा था और आज़ादी के लिए उसने सरलीकरण के मार्ग को चुन लिया था, वो परंपराओं में परिवर्तन को स्वीकार चुका था और आधुनिकता को शहर से स्वीकार भी कर चुका था, किंतु इन दो नदियों के संगम को आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पार करके ये संकेत दिया कि समय के इस बहाव में मैं रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मैं उसी मार्ग पर चलूंगा जो हमारे आगम का मार्ग है, जो जिनवाणी का मार्ग है, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। मैं समय के इस बहाव में बहने वाला नहीं हूँ। 100 वर्ष पूर्व सांकेतिक रूप में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने परंपरा के प्रति अपनी दृढ़ता को स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया था और उनके साथ में उनके कंधों पे आदिसागर मुनिराज भी थे। उनको यश से नहीं था मतलब, उनको यश से नहीं था मतलब, आत्मा का था उनको चिंतन, हो आत्मा का था उनको चिंतन। महान दिगंबर मुनि परंपरा को भी साथ, पूरी परंपरा को साथ लेके चलूंगा, और उन्होंने किया भी। वो कहते नहीं थे, वो करते थे। संकेत रूप में उन्होंने बाल्यकाल में ये संदेश दिया। इस घटना में छुपा युवाओं के लिए संदेश क्या था? दरअसल महज ये घटना एक साधारण घटना नहीं थी। इस घटना के द्वारा आचार्य शांति सागर जी महाराज ने संकेत रूप में यह बताया कि मैं भविष्य में क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कौन से मार्ग का चयन करना है, तथा बिना किसी के डरे, बिना किसी के झुके, मेरे को इस रास्ते को पार करना है। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए इस घटना के माध्यम से संदेश भी दिया। इस घटना में छुपा युवाओं के लिए उनका पहला संदेश, अतिशीघ्र निर्धारित करो कि क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है, और उसी के अनुसार अपने चारों तरफ का आवरण बनाओ, उसी के अनुसार अपनी संगति बनाओ। आचार्य शांति सागर जी ने बाल्यकाल में तय कर लिया था उन्हें धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना है। उन्होंने जान लिया था कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, उन्हें क्या करना है। उन्होंने धर्म के मार्ग को चुना और उसी के अनुसार अपने संगी साथियों का चयन किया। उसी के अनुसार वो त्यागी मुनि की शरण में गए। उन्होंने मुनि की शरण में जाकर उस अनुभव को बहुत नज़दीक से देखा, उस तपस्या को बहुत नज़दीक से देखा, उसे समझा, उसे जाना। सातगोड़ा पाटिल बचपन से तात्विक चर्चा करते थे, तत्व चर्चा करते थे, वे विद्वान थे, उन्हें धर्म का अध्ययन था। उसके पश्चात भी वो मुनि की शरण में गए, वो उनकी सेवा करते थे। उन्होंने उस अनुभव को बहुत नज़दीक से देखा, अतः उनका पहला संदेश था युवाओं के लिए इस घटना के माध्यम से कि शीघ्र अतिशीघ्र ये निर्धारित करो कि करना क्या है, कौन से मार्ग का चयन करना है। इस घटना में निहित युवाओं के लिए उनका दूसरा संदेश, शांति सागर जी मुनिराज ने बताया कि त्याग में वो शक्ति है जो हमारी सोच के दायरे को, जो हमारे सोचने के तरीके को, जो हमारे दृष्टिकोण को व्यापक करती है। बंधुओं, नेता, अभिनेता, बड़े उद्यमी, व्यापारी हमें प्रभावित कर सकते हैं और हमें प्रभावित भी करते हैं, किंतु हमारे दृष्टिकोण को, हमारी सोच के स्तर को, हमारे सोचने के तरीके को यदि कोई विस्तारित कर सकता है, यदि उसे कोई खोल सकता है, उसे नया आयाम दे सकता है, तो वे सिर्फ संत मुनि, त्यागी तपस्वी ही हो सकते हैं, वे दिगंबर मुनि ही हो सकते हैं। क्योंकि दिगंबर मुनि के पास वो शक्ति है, वो संकल्प की शक्ति है कि
कि किस तरह न्यूनतम से जीवन की सर्वोच्चता को पाया जा सकता है। एक मुनि, एक तपस्वी बिना कुछ धारण किए, बिना किसी साधन संपन्नता के जीवन की सर्वोच्चता को पाने के मार्ग पर बढ़ जाता है और उसे प्राप्त भी करता है। अतः शांति सागर जी महाराज ने आदि सागर जी मुनिराज की शरण में जाके युवाओं के लिए संदेश दिया कि त्याग से प्रभावित होना सीखो, त्यागी तपस्वी मुनि संत इनकी शरण में जाओ, क्योंकि वहाँ ही वो मार्ग है जो आपकी सोच के स्तर को बढ़ा सकता है, सोच के दायरे को खोल सकता है। इस घटना में छिपा युवाओं के लिए तीसरा संदेश, जो एक अहम संदेश था, जो बताता है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज मुनि तपस्वी संत होने के साथ साथ एक महान दूरदर्शी विचारक थे। ये संदेश एक गूढ़ संदेश है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने कंधे पर आदि सागर मुनिराज को उस संगम से पार करा के संकेत रूप में यह संदेश दिया, अपना उद्देश्य इतना महान बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि वो आपको ही पार नहीं लगाए, आपके साथ साथ अन्य को भी पार लगाए। उन्होंने अपने कंधे पर आदि सागर मुनिराज को बैठाकर ये संकेत दे दिया था, ये संदेश दिया था कि मैं दिगंबर जैन मुनि परंपरा का पालन करूंगा और मैं अकेला नहीं करूंगा, इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। अपने कंधों पर इस मुनि परंपरा को आगे लेके चलूंगा, एक ऐसे मार्ग का निर्धारण करूंगा, एक ऐसे मार्ग का निर्माण करूंगा जिस पर ये मुनि परंपरा आगे बढ़ सके। अतः उन्होंने इस संदेश के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से ये संदेश दिया, ये संकेत दिया युवाओं के लिए कि अपना उद्देश्य बड़ा बनाओ और ऐसा उद्देश्य बनाओ जिस पे ना सिर्फ आप पार पा सको, उस उद्देश्य पे चलकर कोई अन्य भी, कोई अन्य युवा भी, कोई अन्य व्यक्ति भी उस उद्देश्य पे चलकर, उस मार्ग पे चलकर पार लग सके। महान थे ऐसे संत, महान थे ऐसे मुनि, महान थे आचार्य शांति सागर जी महाराज, महान था उनका समर्पण, महान था उनका त्याग, महान थी उनकी तपस्या, महान थी उनकी सांकेतिक भाषा, महान थी उनकी क्रिया, महान था उनका आचरण और महान थी उनकी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति। बंधुओं, ये वर्ष परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष है। ये वर्ष हम सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है महामना के प्रति अपने श्रद्धा की अभिव्यक्ति करने का, उनको स्मरण में लाने का, उनका स्मरण करने का। आओ शांति मार्ग पर चलें के द्वारा हमारा प्रयास है कि हम आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को, उनकी घटनाओं में छुपे विभिन्न पहलुओं को आप तक पहुँचाएँ। साथ ही हमारा यह भी उद्देश्य है कि आप स्वयं भी उनके जीवन की घटनाओं पर अपने घर परिवार में, अपनी यात्रा में चर्चा करें, विचार विमर्श करें, क्योंकि महामना के जीवन की विभिन्न घटनाएं जीवन प्रबंधन और जीवन को शक्ति प्रदान करने वाली हैं। मेरा अनुरोध है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रयास भी है कि आप सभी अपने स्तर पर, अपनी संगोष्ठी में, अपनी एकजुटता में और अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करें, उन्हें जानने की, समझने की प्रयास करें। मैं फिर आऊँगा पुनः एक नई घटना के साथ, एक नए विचार के साथ। यदि आपको हमें कोई सुझाव, कोई बात, कोई संदेश भेजना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र। आओ शांति मार्ग पर चले, आओ शांति मार्ग।